महंगा और ये बहुत सेट इतने का इसलिए हिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो मैं और अम्मी आज जा रहे हैं इम्तियाज़, अम्मी को कुछ चीज़ें लेनी है। आज अम्मी का लास्ट डे है, कल अम्मी चली जाएंगी और फिर अम्मी को वहाँ से चीज़ें दिला के वापस हम घर आएंगे। और आज समरा भी आएगी, समरा से मीटअप भी करेंगे, तो लेट्स गो टू इम्तियाज। वीडियो को पूरा देखा करें एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। इम्तियाज जमजमा चलते हैं अंदर। कुछ क्रीम वगैरह अम्मी जिनके साथ काम करती हैं उन्होंने मंगवाई हैं, तो अभी वो क्रीम्स ले रहे हैं। यहाँ पे चाइनीज़ क्रीम इतनी अच्छी हैं तो मैंने अम्मी से कहा है कि ये मिक्स कर लें क्रीम्स के अंदर जो ली हैं। इल्हाम के लिए कपड़े देख रहे हैं और मुझे ये वाला ब्लू इतना क्यूट लग रहा है, छोटा छोटा, और ये वाले भी बहुत प्यारे हैं। इसके साथ चड्डी कितनी क्यूट है, तो इल्हाम के लिए इतना क्यूट लगेगी हर चीज़। कपड़े चेक करें, लेकिन अम्मी ने दुबई से ऐसे भेजे हुए हैं जो अभी तक आए नहीं हैं। अल्लाह, ये कितना क्यूट है, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, ये बहुत क्यूट है। अम्मी ने इतने प्यारे प्यारे कपड़े भेजे हैं, अब वो आएंगे तो अभी वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब तक यहाँ आएंगे, लेकिन ये बहुत प्रिटी लग रहा है मुझे भी। ज़ीरो साइज़ के कपड़े ढूंढना बहुत मुश्किल है, अभी वही देख रहे हैं, बस ज़ीरो साइज़ का मिल जाए। एक मिला है, ये है, ज़ीरो बहुत मुश्किल से मिलता है। ये छोटे छोटे बच्चों के झूले इतने प्यारे लगे हुए हैं, ख़ासतौर पर ये पर्पल वाला चेक करें, कितना डिसेंट और कितना अच्छा। मम्मा ये देखें कितना ईजली हिल रहा है। एक यहाँ पे पिंक वाला फ्रॉक मैंने देखा है, लेकिन इल्हाम अभी बहुत छोटी है, बड़ी हो जाए। और ये भी बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है ये, इसको चेक करें नीचे से कितना गंदा लग रहा है ये, और है भी बड़ा। यहाँ पे ये चादरें लगी हुई हैं, कलर इतने प्यारे, अम्मी देख रही हैं, पता नहीं नमाज की चादर है नॉर्मल चादर है, लेकिन अच्छी लग रही है इसमें, ये भी अच्छी है, मुझे तो नॉर्मल लग रही है, नॉर्मल वाली। आटा छानने वाली छन्नी हमारी ख़राब हो गई है, वो लेने आए लेकिन हमें मिल नहीं रही। ये देखें, पता नहीं कौन यूज़ करता होगा, मैंने पान बनाने वालों के पास ये देखा है, छोटी छोटी देचकियाँ अम्मी 695 की, छोटी छोटी कितनी क्यूट हैं, लेकिन इसमें चाय नहीं बनती फिर। हाँ ये रही, 210 रुपये की, सही है ना? सही है, ये बड़ी ले ली, ये वाली ये सही है, छोटी ये वाली सही, लेकिन मजबूत, वो ख़राब हो जाती है फिर, ये अच्छी है। ये पता नहीं क्या है, बाल्टियाँ हैं तेल रखने के लिए, ले लें एक छोटी वाली, लेकिन छोटी हो, ये तो बहुत बड़ी हैं। यहाँ पे ये चीज़ें भी, ये 649 का है, 650 का बल्कि, और ये है 390 का। अम्मी लेकिन ये क्या है? कटिंग बोर्ड, कटिंग बोर्ड है, ये करूँगी ये लेके कुछ बनाती नहीं है, चलो मैं बनाना सीख लेती हूँ कुछ ना कुछ मैं तो कुछ बनाती नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ले लेते हैं कुछ, क्या पता बना लेंगे। ये मुझे लेने थे स्टील के, लेकिन ये इतना महंगा है, 2000 का, और इसके ये मैं रोज़ वॉश करती हूँ तो ये फूल जाता है, ये वाला ही तो लिया हुआ है, फूल जाता है ये, इसके नीचे वाले महंगे हैं, बस ठीक है चलो। वाह 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 वाह, मम्मा ये देखें, इसके लिए फिर घर भी ऐसा होना चाहिए। ये 610 के हैं, और यहाँ अभी हमने यहाँ से ये लिया है वॉशरूम के लिए, और अभी हीरा के लिए भी देख रहे हैं, हीरा के लिए भी पिंक, चलो चलो। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, ये देखें कितने क्यूट लगे हुए हैं, ये मुझे इतना क्यूट लग रहा है मसाले डालने के लिए, लेकिन अम्मी कह रही है इसमें कॉकरोच घुस जाते हैं, तो हमने ये वाला लिया है फिर। यहाँ पे ये इतने खूबसूरत हैं, और ये 1 22,000 के, मैंने कहा मैं तीनों सेट इतने के। चीज़ें लेने के बाद मैंने और अम्मी ने नाश्ता किया, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए, मम्मा हीरा के घर चली गई और मैं अपने घर। ये कपड़े धुलना कब बंद होंगे? आज मेरा कैटू बीमार है, ये बाहर चला जाता है फिर गंदा होके घर आ जाता है, इतना गंदा मैला कुचला है, अब इसको हाथ लगाने को भी दिल नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, काफी टाइम बाद हम टीटू के व्लॉग में आ चुकी हैं, और टीटू को बिना बस पता नहीं होता कि हमने व्लॉग बनाना, मुझे तो ऐसा लगता था जैसे कि टीटू ना व्लॉग बनाना ही भूल गए। बोला है टीटू जल्दी जल्दी काम कर ले, फिर हम लोग जाएंगे शो मार के। कहाँ जाएंगे? कपड़े सारे मैंने अच्छे से वॉश कर लिए, और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। मम्मी है, हाय गाइस, इतने दिनों बाद मेरे घर आई, अम्मी समरा के लिए ढेर सारी गिफ्ट्स लाई थी, वो समरा को दिए, अभी चलते हैं अम्मी के पास के घर। चल टीटू, लेट्स गो इनसाइड। बेबी हमारी खेल रही थी घर में, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही थी छोटू सा बेबी। मैं और समरा जा रही है आज यहाँ, हमने वहाँ से चीजें लेनी है, वो लेंगे फिर अंदर जा रहे हैं, हमने कुछ लेना है वो ले लेते हैं यहाँ से, लेट्स गो इनसाइड। पहले हमने वहाँ से कपड़े देखे, लेकिन हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं फिर ही चलते हैं अंदर। टिटू को लेना है ऐसा पेंडेंट, लेकिन इसमें
बड़ा है छोटा नहीं है। पहले हम खाएंगे यहाँ से खाना, फिर हम नीचे जाएंगे कुछ लेने। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। फाइनली टीटो और मेरा खाना आ चुका है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। टीटो का तो बस यही है, मैं मोटी हो गई और मैं पतली हो गई। लुक एट दिस। मम्मी ने बोला सबरा कुछ खिलाया है, ये ऐसी ले आई। यम्मी यम्मी। मैंने और समरा ने खाना बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खाया था और ढेर सारी बातें की थी। मम्मा का सेकंड लास्ट डे था, लेकिन ये चीज़ें भी यहाँ पे लेना ज़रूरी है। अम्मी ने ही मुझे बाहर काम से भेजा था, तो मैं समरा को साथ ली गई। इंजॉय खाना खा लिया है, अब चलते हैं आशियाना। बेबी के लिए जो है वो कुछ लेना था, तो वो हमने लिया है। भी यहाँ से देखने, मुझे यहाँ से एक ब्लैक ड्रेस भी चाहिए, लेकिन पता नहीं होगा नहीं होगा। समरा को ये पसंद आ रहा है लहंगा, और ये बहुत खूबसूरत है, और इसका स्टफ भी बहुत प्यारा बना हुआ है। अभी हम पसंद कर रहे हैं ज्वेलरी वगैरह, बहुत ही बुरा है। आजकल ऐसा कपड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसका अबाया है। मैं अभी तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम यहाँ से लेके जरूर जाऊंगी। एक ब्लैक मुझे पसंद आया, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा और सी थ्रू है, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। बाकी इनके पास और भी कपड़े हैं, बट मुझे यही अच्छा लगा है। एक भाई एक और ड्रेस के दिखा रहे हैं। हम यहाँ से शूज भी देख रहे हैं। अभी हम आ गए हैं गर्ल्स, वहाँ से हमें कुछ मिला नहीं था, तो फिर हम यहाँ आ गए थे। ये वाला पहन के देख, यहाँ से हम करवा रहे हैं एयर पेरेसिंग, मैं और समरा। समरा ने यहाँ से एक चीज़ ली है, छोटे छोटे आई पेंडेंट, पता नहीं कहाँ लगे हुए। हाँ ये है जी, मैंने एयर पेरेसिंग करवा ली है। समरा को ये पसंद आई है। आ चेक करो यहाँ पे टीटू, इतनी तेज हवा चल रही है, बारिश हो रही है, और मैं और अम्मी अभी जा रहे हैं पुप्पो के घर, और यहाँ पे हो रही है बारिश सही करके। बस पहुँचने वाले हैं, पुप्पो का घर थोड़ा सा ही दूर है। पुप्पो पता नहीं कब तक आएंगी, वेट कर रहे हैं पुप्पो का। वो आए तो बस फिर चलते हैं अंदर। पुप्पो के घर से अभी हम घर आ गए हैं। मैं वो वाले क्लिप ऐड कर रही हूँ कि जब हीरा का बेबी हुआ था तो हम हॉस्पिटल गए थे, तो आप लोग जरूर देखिएगा कि मैं बेबी के पास कैसे गई थी। उसके बाद व्लॉग एंड हो जाएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, अल्लाह हाफिज़। तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, सोचा आप लोगों के साथ खुशखबरी मैं शेयर करूँ। मैं अम्मी का चेहरा जो है वो नहीं दिखा सकती व्लॉग में, और मैं नहीं दिखाऊंगी किसी भी, मैं नहीं चाहती कि अम्मी किसी भी कंट्रोवर्सी या किसी चीज में पड़े। कुछ खबरी भी देनी है कि अम्मी जैसे ही आई हैं, उसके अगले दिन ही हीरा का बेबी हो गया है। वो गर्ल है या बॉय है वो हीरा आपको खुद बताएगी। तो अभी बस मैं नैना का वेट कर रही हूँ, बेबी के लिए कुछ सामान वगैरह लेंगे और चलते हैं हॉस्पिटल और अम्मी से भी मिलते हैं। नैना मुझे लेने, तो लेट्स गो एंड मीट मॉमी। गजरे लेने, लेकिन गजरे जो है इनके पास आउट ऑफ स्टॉक है नहीं, लेकिन यहाँ बुके मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है, बट ये फ्रेश नहीं है, और सब बहुत प्यारे हैं यहाँ पे। यहाँ से मुझे ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। फाइनली मैंने ये वाला बुके यहाँ से ले लिया। यहाँ पे आ गए क्योंकि हमें बलून्स वगैरह लेने हैं बेबी के लिए। और वहाँ जाके हम केक या देखेंगे क्या लेना है। हमने पसंद किया है, उस पर मैं लिख पा रही हूँ जो मेरा दिल कर रहा है वो, और बस अभी जाएंगे हम बाहर। नैना को तो भाई बस, नैना तुम बलून्स में छुप गई हो, दुबई का पानी अम्मी भी यही लाई है। आई वॉज सो सरप्राइज। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट।